हेलो फ्रेंड्स हेलो स्टूडेंट्स अपनी इस सीरीज में जहां पर हम आपको मेडिकल कॉलेज की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी एम्स की इंफॉर्मेशन आपको दे चुके हैं अब हम लेकर आए हैं एक दूसरा सीरीज जिसे हम कहते हैं ऑल इंडिया ऑल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज ए तो आज मैं आपको ए के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं माई इज अनू वर्शिस्ट आई एम एन एम एस इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ डेली चौबीस साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं और अब मैं आपके साथ हूँ इस

मेधावी बैच हमारा चल रहा है नीट 2022 के लिए जिसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं यूज द द द कोड गेट डिस्काउंट एंड विद मेधावी बैच चलिए बात करते हैं आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज की अब अगर हम इस आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो दिस इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट इट अ प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट है ये एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान है और यहां पर इसमें वी द प्रो ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू तो अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट विद्योर्ड करियर प्रोस्पेक्टस यानी कि आप इसके अंदर जब आप यहां पर एडमिशन लेते हैं तो यहां से पास आउट होने के बाद आपको कोई जॉब ढूंढने की आवश्यकता नहीं है आपकी जॉब कंफर्म्ड है इन द डिफेंस सर्विसेस सो एक बार एडमिशन ले लीजिए और फिर चिंता मुक्त हो जाइए और एक और बड़ी मजेदार सी बात बताता हूं बहुत ही अच्छी बात है यहां पर इसमें आपको एडमिशन लेना है और आपको कोई फीस नहीं देनी होती इसमें आपकी कोई फीस नहीं लगती अपसलूटली फ्री है पूरा का पूरा कोर्स फ्री है इनफैक्ट आपको स्टाइपेंट्स भी मिलते हैं तो इट इज नॉट सो इजी टू गेट इन दिस कॉलेज फिर भी लोगों की अपनी अपनी मर्जी होती है This institute was set up on 1st May 1948 by the recommendation of the BC Roy Committee by the amalgamation. Sifar shippers tapit kiyageta, current dwara kiyage institute's ko merge And the graduate wing of AFMC was established on 4th August 1962 to provide sustainable and steady intake of medical officers for Indian Armed Forces. अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये जो इंस्टीट्यूट है दिस इज प्रेजेंटली एफिलिएटेड टू महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड इज रिकोगनाइज बाय एम इसका मतलब ये है कि जब आपको यहां से डिग्री मिलती है आपके मेडिकल कॉलेज की डिग्री जब मिलती है तो यू आर अ फुलजेड डॉक्टर केपेबल ऑफ प्रैक्टिसिंग एनी वेयर आप कहीं पर भी प्रैक्टिसिंग कर सकते हैं आपको साथ ऐसा नहीं है कि आप डिफेंस के लिए ही एलिजिबल है सो यू गेट अ प्रॉपर मेडिकल डिग्री एंड यू आर अ प्रॉपर क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर ठीक है तो यहां पे आपके पास है अंडर ग्रेजुएट एंड वेरियस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज अब ए एफ की अब हम बात करते हैं कट ऑफ की सिंपल सी बात है आप इसी के बारे में आप बात करना चाहते हैं यही बात समझना चाहते हैं तो जब हम एफ एम कट ऑफ की बात करते हैं तो नीट ट्वेंटी 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 वन अभी तक ये कट ऑफ आई नहीं है प्लीज बी वेरी क्लियर ठीक है वरना कई बार स्टूडेंट कह देते हैं इस सर गलत इंफॉर्मेशन दे रहे भैया जब कट ऑफ आई नहीं है तो मैं उस बारे में कह नहीं सकता क्योंकि रिजल्ट नहीं आया रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ आने वाली है फर्दर अब यहां पर जब हम इसकी बात करते हैं कट ऑफ की तो एस्पिरेंट्स हु क्वालिफाइंग पर्सन टाइल इन एफ एम सी एमबीबीएस मेरिट लिस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन विल बी एलिजिबल फॉर ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्टेड फॉर एडमिशन ठीक है तो एक मिनिमम कट ऑफ की बात की जाएगी कि इस कट ऑफ के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखना इस कट ऑफ का मतलब यह नहीं है कि यह कट ऑफ अगर आपने क्लियर कर ली तो आपका एडमिशन हो जाएगा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कट ऑफ क्लियर करने पर आप अप्लाई कर सकते हैं द कट ऑफ ऑफ ए एफ एम सी वेराइज एवरी ईयर डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स और एक बात का ध्यान रखना यहां पर एक बड़ी मजेदार सी बात है देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी दैट द कैंडिडेट हु सिक्योर्स मोर मार्क्स इन नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन इज गिवन प्रेफरेंस पॉसिबिलिटी हर कॉलेज के अंदर यह

ठीक है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जिसके ज्यादा नंबर है उसको प्रेफरेंस दे दिया जाए जिसके कम मार्क्स हैं उस पर नॉट नेसेसरी ठीक है दिस इज बिकॉज स्क्रीनिंग टेस्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बट इट्स नॉट द सोल क्राइटेरिया

ठीक है एडमिशन कैसे हो सकता है एडमिशन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर टोटल हंड्रेड एंड फिफ्टी स्टूडेंट आर एडमिटेड फॉर अंडर ग्रेजुएट को एमबीबीएस कोर्स एक सौ पंद्रह सीटें बॉयज के लिए हैं और थर्टी सीट्स आर फॉर गर्ल्स इससे पता चलता है कि गर्ल्स के लिए कट ऑफ ज्यादा क्यों गया था क्योंकि गर्ल्स के लिए सीट्स एज कंपेयर टू बॉयज कम है ठीक है अब यहां पर आप प्लीज सेक्सिस्ट की बात मत कीजिएगा दिस इज द डिफेंस ओके पांच फॉरन नेशनल्स के लिए हैं एडमिशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी एंड इंटरेस्टेस्ट नीट एग्जामिनेशन पहले ए आईपीएमटी के थ्रू होता था फॉलोड बाई एन इंटरव्यू ये एक इंपॉर्टेंट बात है टेन सीट्स आर रिजर्व फॉर एस सी एस टी कैंडिडेट देखिए यहां पर रिजर्वेशन बहुत ही कम है यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा रिजर्वेशन नहीं है जैसे कि नॉर्मल एग्जामिनेशन के अंदर 50-50 रिजर्वेशन होता है यहाँ पे वो 50-50 रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पे सिर्फ 10 सीट्स एस फॉर एस टी यानी कि 150 सीट में से अगर हम बात करें तो 15 सीटें पांच फॉरेन नेशनल्स के लिए दस एस सी के लिए रिजर्व है बाकी सारी की सारी सीटें जनरल है जिसके अंदर सभी को कंपीट करना पड़ेगा ठीक है स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू बी मैरिड और मैरिड ड्यूरिंग द कोर्स एंड आर आर लाइबल टू सर्व इन द मेडिकल सर्विस ऑफ द आर्म फोर्स ऑन सक्सेन ऑफ एमबीबीएस यानी कि आपको सात साल के लिए आर्मी में सर्व करना होता है कोर्स कंप्लीट होने के बाद इट इज अ क्वाइट अ विन विन सिचुएशन रियली असुएशन क्योंकि अगर हम इस कोर्स की बात करें तो इट इज एक्सलेंट कॉलेज साल की अगर जॉब मिलते हैं तो आप खुद ही सोच सकते हैं उसमें आपको सैलरी भी मिलेगी एक्सिलेंट अकोमोडेशन मिलेंगे बहुत मजे से रहोगे कोई बुरी बात नहीं है ठीक है Once you join AFMC, you are asked to sign a legal binding document. If you don't wish to join the forces, then you can pay the bond money. यहाँ पर एक bond money है। जहाँ तक मुझे पुरानी information है, that bond money was one crore rupees. तो अगर आप यहाँ पर job नहीं करना चाहते, छोड़के जाना चाहते हो, then in that case you will have to pay one crore. तो सोच समझ के join कीजिएगा अगर आप यहाँ पे join करना चाहते हैं। तो stipulated in your agreement and leave. ंग योर इंटर्नशिप फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट ऑफ योर चॉइस तो आप छोड़ के जा सकते हैं अगर आप चाहें तो पे कर दीजिए बॉन्ड मनी बॉन्ड मनी उस समय स्टार्टिंग में बता दी जाती है आपको कि भाई छोड़कर जाओगे तो इतना देना होगा इट्स ऑल योर ठीक है सो यू कैन प्रेफर नॉट टू ज्वाइन एंड पे आउट योर वे क्लियर इफ यू प्लान टू ज्वाइन देन यू विल बी कमीशन इन टू ईदर आर्मी नेवी और एयरफोर्स अकॉर्डिंग टू योर मेरिट एंड चॉइस रेस्पेक्टिवली मेरिट के हिसाब से भी होता है चॉइस के हिसाब से भी होता है एंड ऑप्शन ऑफ परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन आर गिवन टू यू डिपेंडिंग ऑन योर मेरिट आपको यह कहा जा सकता है कि आप परमानेंट कमीशन ले सकते हैं आर्मी के अंदर ड्यूरेशन का फर्क होता है टाइम ड्यूरेशन का फर्क होता है आप लंबे टाइम तक सर्व करना चाहते हैं छोटे टाइम तक सर्व करना चाहते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन और लॉन्ग सर्विस कमीशन एज पर योर मेरिट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली बहुत ही बेहतर है इसका बहुत ही सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर देर आर फैसिलिटीज फॉर स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग टेनिस स्क्श बास्केटबॉल स्विमिंग पूल है कैंटीन फैसिलिटीज डिफेंस पर्सनल कैंटीन फैसिलिटी फॉर डिफेंस पर्सनल बहुत ये वो नहीं है भाई खाने वाली कैंटीन नहीं है कैंटीन का मतलब ये है कि आपको सेल टैक्स एग्जाम क्वांटिटीज मिल जाती है आपको हर चीज एक सब्सिडाइज रेट पर मिल जाता है सब्सिडाइज का मतलब है उसके अंदर टैक्सेस नहीं लगते तो गवर्नमेंट टैक्सेस ना होने की वजह से आपको यहां तक कि आप गाड़ियां भी ले सकते हो तो यहां पर कैंटीन सी कैंटीन बोला जाता है जिसे डिफेंस सर्विसेज कैंटीन जो होती है तो यू कैन गेट द इंटायर फैसिलिटीज विच आर गिवन टू अर नॉर्मल आर्मी पर्सनल सारे के सारे आर्मी पर्सनल की जो रिक्वायरमेंट वो होती है सब मिलता है कैंटीन फैसिलिटी पर्सनल टू द मेडिकल कैडेट्स इट हैज टू ऑडिटोरिया नेम्ड धनवंतरी एंड भारद्वाज वेयर हाई प्रोफाइल मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज आर हेल्थ ए एफ एम सी ऑल्सो वर्क एज अस्पिटल फॉर सिविलियंस एंड इज कोलाबोरेटेड विद द कमांड हॉस्पिटल ठीक है एफ एमसी एमबीबीएस की अगर बात करते हैं एडमिशन की बात करते हैं 2021 की तो द कैंडिडेट एस्पायरिंग टू टेक एडमिशन इन आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे हैज टू डू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ काउंसिलिंग कमेटी ये है डब्ल्यू मेडिकल काउंसलिंग कमेटी तो यहां पर अगर आप जाए हाँ लेकिन यहां पर अभी इस पर अभी इस वेबसाइट पर की की है, तक नहीं आई है अपडेट ऑन डब्ल्यू 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 एमसी डॉट निकॉट इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैन बी डन फ्रॉम द अनाउंस डेट अभी ट्वेंटी है 2021 की तो इसीलिए ध्यान से देख लीजिएगा अगर आपका ए में जाने का विचार है तो इस वेबसाइट को देखते रहिएगा द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अलॉन्ग विद द डेट फॉर एमबीबीएस एडमिशन स्क्रीनिंग एट ए एफ एमसी पुणे विल बी पब्लिश सब्सिक्वेंटली और मजेदार बात यह होती है कि आपके आने जाने का खर्चा भी आपको दिया जाता है आपको मेडिकल उसका टिकट्स भी दिए जाते हैं आने जाने के जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है बाकी आप देख सकते हैं आगे कोई रूल्स अगर चेंज हुए हैं तो रैंकिंग्स की अगर बात करें तो एफ एम सी वॉज रैंक थर्ड अमंग द मेडिकल कॉलेजेस इंडिया इन टू थाउजेंड नाइनटीन बाय इंडिया टूडे एंड सेकेंड अमंग मेडिकल कॉलेज इंडिया बाई इन टू थाउजेंड नाइनटीन बाय आउटलुक इंडिया फोर्थ बाय द वीक यानी कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको रैंक करते हैं बट एक बात का ध्यान रखिएगा फर्स्ट टेन में तो यह है चाहे कोई भी रैंक करे तो फर्स्ट टेन में तो रैंकिंग बहुत अच्छी है ओके okay. रिसर्च की अगर फैसिलिटीज की बात करें तो इसमें वेरियस डिपार्टमेंट है रिसर्च प्रोजेक्ट्स इधर अंडर डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप और अंडर द ऑफ दर्म फोर्सेज मेडिकल रिसर्च कमिटी अपार्ट फ्रॉम सर्विस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स रिसर्च इन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी सब्जेक्ट इज ऑल्सो कैरिडउआउट रिसर्च की भी बहुत सारा फैसिलिटीज है AFMC has facility for animal house, Hatcheries for disease-producing insect and a virology and bacteriology bank for these purposes. but ke sari kee facilities aapko research ke ke milty hai. AFMC is a research and referral center for confirmation of disease, identification of pathogens, and classification of blood disorders, viral and bacterial. Liye ye hai. AFMC is a reference center designated by WHO for certain diseases, that is HIV Regional Laboratory and Center for अब ये क्या होता है ये तो आप ही ज्यादा बेहतर जानते हैं अफिलियशन की अगर हम बात करें तो अफिलियटेड हॉस्पिटल इंक्लूड कमांड हॉस्पिटल सदर कमांड मिलिट्री हॉस्पिटल कार्डियोथोरैकिक सेंटर आर्टिफिशियल लिम सेंटर एंड मिलिट्री हॉस्पिटल खड़की

प्लस कोर्सेज की इंफॉर्मेशन मिल जाती है साथ ही साथ हमारा मेधावी बैच है जो चल रहा है एंड यू कैन यूज द कोड एवी लाइव टू जो विद टेन परसेंट डिस्काउंट सो यू कैन गो हेड विदमी सब्सक्रिप्शन यूज द कोड एवी लाइव टू ज्वाइन द प्लस कोर्सेज और आइकॉनिक कोर्सेज प्लस कोर्सेज में आपको इंडिया बेस्ट एजुकेटर इंट्रेटिव लाइव क्लासेस स्ट्रक्चर कोर्सेज इन पीडीएफ और लाइव टेस्ट इन क्विजेस मिलते हैं आइकॉनिक में आपको सारा का सारा प्लस का बेनिफिट तो मिलता ही है इन एडिशन टू दैट वन टू वन लाइव मेंटरशिप और लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिलते हैं सो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए पीडीएफ आप यहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं लाइक like और शेयर जरूर कीजिए बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन जरूर लीजिएगा सो आई होप यू हैव गॉट इनफ ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट ए एफ एम सी योर चॉइस जैसे मर्जी चॉइसिस बनाइए ठीक है, सो so, मिलते हैं सेशंस में ठीक है बाय टेक केयर